हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, ऐसे तो विंटर के सारे फ्लावर्स हैं वो फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ फ्लावर्स जो भी फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं उनमें अच्छे अच्छे बर्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं और ये जीनिया बहुत ही ज़्यादा ब्लूमिंग कर रहा है अभी, और बाकी सारे जो फ्लावर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं। आज मुझे एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट का सीड्स मिला और मैं देखी तो वो नेक्स्ट ईयर एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं सोच रही थी कि चलो इस बार ही उसे ग्रो कर लिया जाए, क्योंकि अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है और अभी विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स का सीड्स लगाना सही नहीं रहता है। फिर भी अगर वो ग्रो हो जाता है तो लास्ट स्प्रिंग सीज़न तक वो फ्लावरिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6/2022 को एक्सपायर कर जाएगा, तो नेक्स्ट सीजन में तो इसका जर्मिनेशन होने का कोई चांस नहीं है। तो मैं सोच रही थी इसी बारी से ग्रो करके देखती हूँ। ये बस एक ही पैकेट बचा था पिछले जो गर्मियों वाला मैं सीड्स मंगाई थी उसमें बस एक ही पैकेट बचा था, बाकी सब गर्मियों के प्लांट्स थे तो मैं लगा ली। और ये देखिए, यहाँ पर कुछ मैं सॉइल बनाकर पहले से रखी थी उसे इसमें डाल ली हूँ, और इसमें वही सॉइल है जिसमें मैं प्लांट्स के सीडलिंग्स लगाती हूँ। ये बहुत ही बारीक नहीं होता है तो एक एक करके आप अलग अलग इस तरह से गिराएं ताकि एक ही जगह बहुत सारा प्लांट्स ना उगे, नहीं तो फिर रिपोर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अस्टर का सीड्स काफ़ी पुराना था और मुझे लगा कि शायद ये उगेगा या ना उगेगा, तो इसमें क्यों ना कुछ और सीड्स ग्रो कर लिया जाए ताकि जो भी हो थोड़े बहुत प्लांट्स उग जाए। तो मैं इस तरह से कुछ सनफ्लावर के सीड्स डाल दे रही हूँ, कुछ तो प्लांट्स उगेंगे ही। और ऐसे अगर आप सीड्स ग्रो करो और एक भी सीड्स ना उगे तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, इसीलिए मैं कुछ और सीड्स इसमें डाल दी हूँ। इस तरह के सीड्स लगाने के लिए मैं बिल्कुल हल्की सॉइल बनाती हूँ, कोकोपीट और गार्डन सॉइल, और थोड़े बहुत मैं वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ऐड करती हूँ इसमें, और बहुत ही हल्की सी सॉइल बनाती हूँ ताकि सीड्स को जर्मिनेट होने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से सीड डालने के बाद आप ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी डाल दें ताकि सीड्स ढक जाए, नहीं तो सीड्स अगर दिखते रहता है तो गिलहरी वगैरह खा जाती है, चिड़ियां वगैरह चुग जाती है दाने समझकर। तो इस तरह से आप सीड्स को डालने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल दें, उसके बाद में थोड़े बहुत ऊपर से वाटरिंग भी करें। वाटरिंग हल्की हाथों से करें, आप डायरेक्ट कहीं एक जगह पे मग के सहारे ना दें, नहीं तो सारे सीड्स इकट्ठे हो जाएंगे और मिट्टी इधर उधर फैल जाएगी, फिर सीड्स अच्छे से जर्मिनेट नहीं होंगे। अभी तो कोई सीडलिंग करने का टाइम नहीं है, लेकिन जो बचे हुए सीड्स हैं उन्हें ग्रो करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आप ग्रो कर सकते हैं इस तरह से, अगर सीड्स आपको मिलते हैं मैं इधर उधर रख देती हूँ तो वो खो जाते हैं और फिर टाइम पे मिलते नहीं हैं, फिर इस तरह से वो टाइम निकल जाने के बाद मिलते हैं तो उन्हें ग्रो करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक नए जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने बगिया का ख्याल रखिए। जय माता दी फ्रेंड्स।